कुछ लोग जिससे जुड़े हुए हैं उनको संदेश था कि ये ठीक हो रहा है तो हमारे लिए खतरा है। राजदार था वो। अगर पैर टूटता है ना तो मौत किसी का नहीं होती है, चोट लगता है तो मौत नहीं होती है। कैसे एक पैर का घायल व्यक्ति मर गया? चले हम उसका भाई थे, उसके परिवार को भी नहीं भेंट करने दिया हॉस्पिटल। क्या रिम्स में पत्नी को भी मिलना मना है? 4-5 दिन के बाद। यह सब बहुत बड़ा ऊपर लेवल का हाई लेवल का साजिश है। क्या भर्ती मरीज को परिजन से 3 दिन में मात्र एक बार ही हो सकती है मुलाकात? नाम को ट्रीटमेंट अपने साथ दूसरी जगह कहीं कर ले जाने दिया गया। क्या दवा चल रहा है, क्या प्रिस्क्रिप्शन है, कौन डॉक्टर है? क्यों नहीं बताया गया कौन है डॉक्टर? तो मेरे तरफ से 200% है कि साजिश से के तहत इसके साथ ऐसा किया गया है। नाम को ट्रीटमेंट अपने साथ दूसरी जगह कहीं कर ले जाने दिया गया। किस बीमारी का हो रहा था इलाज? शासन के लोगों ने और सरकार के लोग इन लोगों ने मिल करके प्लांट वे में रिम्स में हत्या की गई है। मर गया या मारा गया? संदेहास्पद क्यों बन गई सुनील सिंह की मौत? ऐसे कई सवाल हैं जो सिंगरा समेत समूचे पलामू के मन मस्तिष्क में कौंध रहा है। हर किसी के दिमाग में बस एक ही सवाल है, कैसे अकस्मात दुनिया छोड़ गया सुनील सिंह? इसका मौत जो है सस्पेंस में है हम लोग के सारे परिवार के लिए। आप सोच रहे होंगे कि किस सुनील सिंह की बात हो रही है, तो आप जान तुरंत समझ जाएंगे इनकी मौत पर हाय तौबा क्यों मची है, क्यों स्वाभाविक मौत पर लोग यकीन नहीं कर रहे हैं। अगर गलत व्यवहार का होता, गलत सोच का होता तो इतना भीड़ उसके लिए खड़ा नहीं होती। आज गलत लोग के लिए कितने खड़े होते हैं। दरअसल विवादों में रहने वाले झारखंड के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स में इलाज के दौरान पलामू जिला स्थित सदर प्रखंड के सिंगरा पंचायत निवासी उस सुनील सिंह की मौत हो गई, जो पलामू में चल रहे हाई प्रोफाइल चतुर्थ वर्गीय नियुक्ति प्रक्रिया के धांधली मामले में आरोपी है। झारखंड अद्यविद्य शिक्षा परियोजना अभियान के मेदिनीनगर कार्यालय में प्रतिनियोजन पर नियुक्त सर्वशिक्षा अभियान में संविदा के तहत बीआरजी पद पर पदस्थापित सुनील सिंह का नियुक्ति परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक मामले में नाम सामने आया था, वो भी तब जब उनकी मौत की वजह बनी पैर से घायल होने की घटना सामने आई थी। नियुक्ति धांधली में नाम आने पर पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने जब उनके हमीदगंज स्थित किराए के मकान पर छापेमारी करने पहुंची, तब वो भागने के दौरान मकान के 4 मंजिला से कूद पड़ा था। कहीं टूट फूट नहीं हुई थी, मगर घर में लगे एक रड ने उसके पैर को बुरी तरह जख्मी कर दिया था, खून भी ढेर सारा बहा था। इलाज के दौरान एक बोतल खून भी चढ़ाया गया था। इसके बाद सुनील को वहीं रेफर कर दिया गया जहां से उसका शरीर तो आया, मगर वहीं रह गए वो सारे राज जो नियुक्ति प्रक्रिया से लेकर उसके इलाज के दौरान उसके साथ हुए। घायल होने के 8वें दिन हुई सुनील की मौत ने सकते में डाल दिया हर वो किसी को जिसने सुना कि 4 मंजिला से गिरकर घायल हुआ शख्स रिम्स में बेड पर से गिरकर मर गया। उसे कतई विश्वास नहीं हो रहा है। ये एक आरोप भी है मृतक सुनील सिंह के भाई अनिल सिंह का, जिनकी माने तो सुनील का इलाज क्या हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, किसी को नहीं खबर, किसी को नहीं पता। इसका मौत जो है सस्पेंस में है हम लोग के सारे परिवार के लिए, क्योंकि यहाँ जब हॉस्पिटल लेके गए तो भर्ती के बाद हम लोग को किसी को मिलने नहीं दिया गया। इवन की बताते रहा गया कि दवाई अच्छा हो रहा है, मरीज ठीक है,
मरीज ठीक है ये बता करके हम एक बच्चा अपना परिवार को सौंप करके यहाँ केस की प्रक्रिया करने आए। ठीक उसी दिन रात में 1 बजे 2 बजे मैसेज आ रहा है कि आपका मरीज सीरियस है। ओके, इसके बाद हम ठीक है मैं आ रहा हूँ। महज 5 दिन तक रिम्स में रहने के बाद भी मात्र एक मर्तबा उनकी पत्नी को उनसे मिलने दिया गया था। बाकी भाई वगैरह की बात कौन करे, किसी को भी सुनील से मिलने की इजाजत नहीं थी। बस बताया जाता था कि वो ठीक हो जाएगा। उसका क्या इलाज चल रहा है, क्यों भर्ती रखा गया है, किसी ने नहीं बताया। मेरे तरफ से 200% है कि साजिश से के तहत इसके साथ ऐसा किया गया है। नाम को ट्रीटमेंट अपने से दूसरे जगह कहीं कर ले जाने दिया गया। क्या दवा चल रहा है, क्या प्रिस्क्रिप्शन चल रहा है, कौन डॉक्टर है। चले हम उसका भाई थे, उसके परिवार को भी नहीं भेंट करने दिया गया हॉस्पिटल में। ये एक भाई ही नहीं बल्कि सारे परिजनों के दिल दिमाग पर छाया हुआ टीस है कि ना तो उस पर लगे गंभीर आरोप की हकीकत का पता चल पाया, न ही वो जान पाए कि उसकी मौत की वजह क्या है। हर किसी को मौत के पीछे हाई प्रोफाइल साजिश लगती है। हर किसी को लगता है कि प्रश्न पत्र लीक मामले में कई सफेद पोश चेहरे हैं जिन्होंने राज खुलने से पहले ही सदा के लिए उसका मुंह बंद कर दिया। तो इसको नजर बंद करके इसको हत्या कर दिया गया कि बड़े पदाधिकारियों का नाम इसमें ना आवे, इस वजह से इसको मुंह बंद कर दिया गया कि तुम सदा के लिए बंद हो जाओ। ना इसका इलाज हुआ, इलाज अगर पैर टूटता है ना तो मौत किसी का नहीं होती है, चोट लगता है तो मौत नहीं होती है। धांधली का आरोपी सुनील सिंह की मौत ने राजनीतिक गलियारों में भी भूचाल ला दिया है। हर कोई ये जानना चाहता है कि प्रश्न पत्र लीक मामले में कौन कौन से बड़े लोग शामिल हैं। परीक्षार्थियों को कैद कर दिया गया और जो स्थानीय व्यक्ति पर आरोप लगा उसकी संदेहास्पद मौत हो गई। घटना ने हंगामे की जमीन तो तैयार नहीं कर दी। व्यापम की तरह है कि जो लोग ऊपर के लोगों तक न पहुंचे, जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, बड़े प्रशासनिक पदाधिकारी और बड़े राजनेताओं तक हाथ न पहुंचे, इसके लिए ये हत्या की। धार्मिक मान्यता से इतर सिंगरा के शमशान घाट पर एक 12 साल की बेटी अपने पिता को मुखाग्नि देने पहुंची तो वहां पर मौजूद हर किसी की आंखें नम हो गई। जब मुखाग्नि दी गई तो कलेजा फट पड़ा। धांधली का भले ही आरोपी था पर एक बेटी का पिता था सुनील सिंह। हर किसी के दिल में एक बच्ची के सर से उठे पिता का साया का गम था, परंतु गमों के घूंट पीकर भी मृत शरीर का क्रियाकर्म तो करना ही था, सो किया गया। जी हां, सदर प्रखंड के सिंगरा निवासी बीआरजी पद पर तैनात सुनील सिंह का अंतिम संस्कार कोयल नदी घाट पर कर दिया गया, जो पलामू के अनुसेवक नियुक्ति प्रक्रिया में हुई गड़बड़ी का दोषी है। पलामू पुलिस ने सुनील सिंह को दोषी घोषित किया है, जिसका पूरा साक्ष्य होने का दावा पलामू पुलिस ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर किया है। हालांकि पलामू पुलिस ने सुनील सिंह की मौत पर दुख जताते हुए परिवार के प्रति संवेदना प्रकट किया है। प्रशासन की माने तो दोषी परीक्षार्थियों ने सिंगरा के कर्मचारी द्वारा धांधली में शामिल होने की बात बताई थी, जो रांची के नगरी में स्थित ज्ञानोदय एकेडमी में सबको ले गया था और फिर सुबह बस से लाकर चियाकी पहुंचाया था, जिसके बाद जांच में सुनील सिंह का नाम सामने आया था, जिसके लिए साक्ष्य जुटाने में पुलिस को इतने दिन लगे। पुलिस के पास सुनील के मोबाइल का CDR रिपोर्ट है, जिसमें 4 नवंबर की दोपहर से 5 नवंबर की सुबह तक मेदिनीनगर से लेकर नगड़ी और फिर वहीं से लातेहार होते हुए मेदिनीनगर का लोकेशन पाया गया, जिसके बाद कार्रवाई करने गए पुलिस से भागने के दौरान सुनील सिंह घायल हुआ था, जो उसकी मौत की वजह बनी। राजदार था वो। पुलिस की माने तो पहले मेदिनीनगर के शांतिपुरी स्थित आवास पर पुलिस गिरफ्तार करने पहुंची थी, जहां भाई से मालूम चला कि वो अलग रहता है। जब उसके किराए के मकान पर जाया गया तो सुनील सिंह की पत्नी ने दोपहर के वक्त ही पटना चले जाने की बात कही, लेकिन मकान मालिक ने शाम 7 बजे तक बाजार में देखे जाने की बात बताई थी।
पुलिस को शक हुआ और तलाशी ली गई तो सुनील के कमरे से नियुक्ति प्रक्रिया के दौरान उपयोग किया गया सिम और परीक्षार्थियों का जमाबंदी में रखा गया डॉक्यूमेंट बरामद हुआ। परिधर सुनील किराए के मकान से फरार होने के चक्कर में कूदा या भाग रहा था पता नहीं, लेकिन वो सुबह के वक्त चार दीवारी के हाथे पर घायल अवस्था में पाया गया, जिसने हल्ला करने से मना किया। परिवार वाले इलाज के लिए सदर अस्पताल लेकर आए। इधर पुलिस भी पहुंचकर हिरासत में ले ली और रेफर हो चुके सुनील सिंह के साथ दो पुलिसकर्मियों को भेज दिया। पर यह कहानी तो पुलिस की है, पर परिवार वालों की कहानी अब शुरू होती है जब वो रिम्स पहुंचता है। बस उन्हें इतना ही पता है कि बस एक बार पत्नी को मिलने दिया गया, बाकी कुछ नहीं पता। प्लस यहाँ जब पुलिस गई इनको खोजने के लिए, एक जंप किए तो पुलिस उनके सामने जंप किए, पुलिस का कोई बहना चुप वो अपना घर आ गए। प्लस दूसरी बात कि ट्रीटमेंट में हम वहाँ प्रॉब्लम हो रहा किसी प्रकार, क्या ट्रीटमेंट हुआ, कौन डॉक्टर था, क्या किया, हमको किस जानकारी की कोई पेपर तक अभी तक नहीं मिला है, इसलिए हमको इस पर संदेह है। परिवार वालों की माने तो इसमें बड़ी साजिश है, षड्यंत्र कर मारा गया है। इसका सच तो सुनील के साथ चला गया, पर एक और राजदार है, वो है मृतक की पत्नी, पर अभी वो बेसुध पड़ी है, जिसे होश ही नहीं है, जिसके होश आने का या कहें नॉर्मल होने का इंतजार हर किसी को है। हर कोई जानना चाहता है कि आखिरकार वो कौन सा राज है, वो कौन है सफेद पोश। बहुत बड़ा ऊपर लेवल का, हाई लेवल का साजिश है। पता नहीं इसमें कौन कौन लोग अभियुक्त हैं जो अभी तक नजर मुंह बंद किए, लेकिन इनके शायद परिवार को भी मालूम होगा, मे भी अब तो दो चार दिन के बाद क्लियर होगा कि इनके परिवार इनकी पत्नी को शायद कुछ बताए होंगे कि इसमें कौन लोग संलिप्त हैं, नहीं है, क्या है, और तब पत्नी से भी जाना भी नहीं जा सकता इस तरीके की स्थिति को। जबकि परिजन या जान पहचान वाले सुनील सिंह को मिलनसार व्यवहारिक बता रहे हैं, वो ये मानने को तैयार नहीं कि वो गलत था। स्थानीय निवासी के तौर पर काफ़ी वो अच्छे थे, गंभीर व्यक्ति थे और सबके सम्माननीय माननीय थे। छोटे उम्र होने के बावजूद भी गांव के बुजुर्ग उनको काफ़ी इज्जत दिया करते थे और लमसम 12-13 साल से वो सरकारी नौकरी में संविदा पर थे और सर्व शिक्षा अभियान में कार्यरत थे। उनकी कार्यों की भी अगर जांच की जाए तो काफ़ी अच्छा रहा है, सराहनीय रहा है और हमें नहीं लगता है कि इन सभी कार्यों में उनका संलिप्तता जाहिर की जा सकती है। हो सकता है कि कहीं से एविडेंस वगैरह कुछ साथ छुपाने के लिए, कुछ मिलने के लिए, कुछ पाने के लिए किया जा सकता है और हमें नहीं लगता है इस तरह का हो सकता है। तत्काल तो मृतक के परिवार को मुआवजा और नौकरी दिए जाने की मांग परिवार, परिजन और स्थानीय नेताओं ने भी तेज कर दिया है। जिला प्रशासन से भी आग्रह करेंगे और मांग भी करेंगे कि इनके परिवार को उचित मुआवजा मिले। परिवार बेटी आजीवन सुरक्षा के लिए, पेटा भत्ता के लिए मुआवजा दिया जाए, उसकी नौकरी दिया जाए, तभी और हमको निष्पक्ष जांच कराया जाए। अज्ञात FIR दर्ज करके इसको CBI को जांच दे कि किन लोगों ने हत्या की, इसकी मौत का FIR हो, उसके परिजन को सरकार नौकरी दे, विडो को मुआवजा दे। हालांकि मामला और आगे बढ़ता मगर मौत के 36 घंटे बीतने के बाद खराब होते शौक को चलते हंगामा नहीं मचा, लेकिन इसके निष्पक्ष जांच की मांग जल्द नहीं पूरी होता देख घमासान मच सकता है। पहले से ही बड़े लोगों को बचाए जाने का चर्चा जोरों पर है। 13 तारीख को रात को होती है, भोर में होती है, 3 बजे 13 को 3 बजे भोर में होती है, फिर 3 बजे शाम तक पोस्टमार्टम करने के लिए बॉडी को क्यों रोका गया? कौन लोग थे जो पोस्टमार्टम को डिले करा रहे थे? ये वही लोग हैं जो लोग इस पूरे मामले में, इसकी हत्या में इन्वॉल्व हैं। क्योंकि यदि मौत 2 बजे रात को होती है तो सवेरे 9 बजे पोस्टमार्टम पहला उसी शव का होगा, उसी व्यक्ति का होगा जिसका रात 2 बजे मौत हुई। लेकिन 9 बजे न हो करके रिम्स में 8 बजे से पोस्टमार्टम शुरू होता है, ना हो करके शाम को 6 बजे पोस्टमार्टम किया, मतलब दिन भर यह डिले किया गया ताकि बॉडी ऐसी स्थिति में आ जाए कि कोई भी व्यक्ति उस बॉडी से लेकर के सरकार को या प्रशासनिक पदाधिकारियों को परेशान नहीं कर सके।
वहीं विपक्ष के दिग्गज नेता के एन त्रिपाठी ने मौत को स्वाभाविक नहीं बल्कि हत्या करार दिया है। उनकी माने तो धांधली में शामिल बड़े लोग हर जगह नजर बनाए हुए थे और सुनील को जबरन कैद में रखा गया, किसी से मिलने नहीं दिया गया और योजनाबद्ध तरीके से हत्या कर दी गई। उसको उसकी पत्नी से, उसके बच्चों से, उसके परिजनों से मिलने नहीं दिया गया 5 दिनों तक। वो क्या बताना चाह रहा है, क्या उसकी परिस्थिति है? एक तो ये सबसे संदेहास्पद है कि पुलिस ने क्यों परिजनों से नहीं मिला। इसका साफ है कि पुलिस प्रशासन के लोग यह जान रहे थे कि जो बातें यह पुलिस को बता रहा है बयान, वह बातें परिजनों तक न बता पाए, इसलिए उसको नहीं मिल रही। राजदार था वो। रिम्स में इलाज के दौरान मृतक पुलिस कस्टडी में था, फिर भी साजिश का संदेह जाहिर करना कहीं न कहीं चतुर्थवर्गीय कर्मचारी नियुक्ति धांधली मामले में प्रशासन के इतने खुलासे और कार्रवाई के बाद भी बहुत बड़े खेल की ओर ध्यान खींच रहा है। हो भी सकता है, क्योंकि ये हजार लाख का नहीं करोड़ों अरबों की धांधली है जिसमें सुनील की मौत ने हर किसी को डरा दिया है। जब तक पूरे मामले से पर्दा उठ नहीं जाता और सभी दोषी सलाखों के पीछे नहीं चले जाते। ब्यूरो कैपिटल न्यूज़।